छतरपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसके बाद शहर में रोड शो किया गया। आपको बता दें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2023 के चुनाव को लेकर जिले में जा जाकर जो है संगठन को मजबूत करना है और दिल्ली मॉडल और पंजाब सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं पूर्व सरकार कांग्रेस सहित भाजपा सरकार के बारे में घोटालों की उन्होंने बात की और कहा कि महिलाओं और बच्चियों के मामा के नाम पर पोषण आहार घोटाला उनके साथ किया गया है। आपको बता दें, एमपी चुनाव में सभी 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित जिला पदाधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। का बजट था, उस बजट को भी फायदे में लाए। आज छतरपुर के अंदर हमारे जो सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं, चूंकि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है, उन कार्यक्रमों में मेरा आना हुआ है, कई जगहों पर कार्यक्रम लगे हैं, तो उसी सिलसिले में ये छतरपुर शहर में एक रैली और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी पूरे मध्य प्रदेश में, और इसी कारण से मतलब सब जगह मीटिंग करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे और उनके लाने के मतलब अच्छी से अपनी पार्टी काम हुए और हम लोग सब काम करते हैं। कितनी सीटों पर अपने बहुत आदमी पूरे मध्य प्रदेश में। हाँ।